नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया उत्तराखंड में पाए जाने वाले फल बेडू का जिक्र। कहा, पिथौरागढ़ प्रशासन और लोगों के सहयोग से अलग अलग रूपों में लोगों तक पहुंच रहा है बेडू। दूरदर्शन के सीरियल स्वराज देखने का भी लोगों से किया आह्वान। उत्तराखंड में भी सुनी गई प्रधानमंत्री के मन की बात। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ के डीएम से फोन पर बात कर बेडू से जुड़ी पहल को सराहा। बागेश्वर के लोग बोले, उत्तराखंड को प्रोत्साहित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। विधानसभा में अब तक हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी पर मुख्यमंत्री का गंभीर रुख। विधानसभा अध्यक्ष को जांच कराने के लिए कहा। बोले, धामी गड़बड़ियां रोकने को प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं का बनाएंगे फुल प्रूफ सिस्टम। और उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा क्षेत्र में श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर। दुर्घटना में 6 की मौत, 34 अन्य घायल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घायलों को देखने पहुंचे हल्द्वानी अस्पताल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा किए। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 92वीं कड़ी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पहाड़ी लोगों की जीवन शैली और संस्कृति में सादगी से पहला पाठ तो यही सीखा जा सकता है कि हम परिस्थितियों के दबाव में न आएं और आसानी से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पाठ ये है कि उनसे स्थानीय संसाधनों के साथ आत्मनिर्भर बनने की सीख मिलती है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में पाए जाने वाले फल बेडू का जिक्र करते हुए कहा कि पिथौरागढ़ प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से बेडू को अलग अलग रूपों में लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली है। पहाड़ी अंजीर के नाम से बेडू की ब्रांडिंग की गई है और ऑनलाइन बाजार में उतारा गया है। साथियों, इसी तरह के कई सराहनीय प्रयास हमारे एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में कई प्रकार के औषधि और वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। उन्हीं में से एक फल है बेडू। इसे हिमालयन फिक के नाम से भी जाना जाता है। इस फल में खनिज और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लोग फल के रूप में तो इसका सेवन करते ही हैं, साथ ही कई बीमारियों के इलाज में भी इसका उपयोग होता है। इस फल की इन्हीं खूबियों को देखते हुए अब बेडू के जूस, इससे बने जैम, चटनी, अचार और इन्हें सुखाकर तैयार किए गए ड्राई फ्रूट को बाजार में उतारा गया है। पिथौरागढ़ प्रशासन की पहल और स्थानीय लोगों के सहयोग से बेडू को बाजार तक अलग अलग रूपों में पहुंचाने में सफलता मिली है। बेडू को पहाड़ी अंजीर के नाम से ब्रांडिंग करके ऑनलाइन मार्केट में भी उतारा गया है। इससे किसानों को आय का नया स्रोत तो मिला ही है, साथ ही बेडू के औषधीय गुणों का फायदा दूर दूर तक पहुंचने लगा है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने दूरदर्शन के सीरियल स्वराज का जिक्र करते हुए कहा कि आजादी के अनसुने नायक नायिकाओं के जीवन से नई पीढ़ी को परिचित कराने की बेहतरीन पहल है ये धारावाहिक। उन लोगों का आह्वान किया कि प्रत्येक रविवार रात 9 बजे प्रसारित होने वाले स्वराज को खुद भी देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। ये सीरियल 75 सप्ताह तक चलेगा। मैं और एक खुशी की बात बताना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मुझे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। वहां उन्होंने स्वराज दूरदर्शन की सीरियल का स्क्रीनिंग रखा था। मुझे उसके प्रीमियर में जाने का मौका मिला। ये आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराने की एक बेहतरीन पहल है। दूरदर्शन पर
हर रविवार रात 9 बजे इसका प्रसारण होता है और मुझे बताया गया कि 75 सप्ताह तक चलने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप समय निकालकर इसे खुद भी देखें और अपने घर के बच्चों को भी जरूर दिखाएं। और स्कूल कॉलेज के लोग तो इसको रिकॉर्डिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेष कार्यक्रम की रचना भी कर सकते हैं ताकि आजादी के जंग के इन महानायकों के प्रति हमारे देश में एक नई जागरूकता पैदा होगी। आजादी का अमृत महोत्सव अगले साल यानी अगस्त 2023 तक चलेगा। देश के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो लेखन आयोजन आदि हम कर रहे थे हमें उन्हें और आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुपोषण से लड़ाई का उल्लेख करते हुए कहा कि सामाजिक जागरूकता के प्रयास कुपोषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी से कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा कि सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े अभियान के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में मोटे अनाज की लोकप्रियता बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लोकमानस से जुड़े फल बीड़ू और पिथौरागढ़ में इसके विभिन्न रूपों में किए जा रहे उपयोग का खासतौर से उल्लेख किया। इस पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ प्रशासन द्वारा बीड़ू के उत्पादन को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन व खनिज एवं वनस्पतियों के संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना कि मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वास्तव में बीड़ू स्वास्थ्य के लिए संजीवनी है जिसके माध्यम से स्थानीय लोगों द्वारा अनेक रोगों का शमन किया जाता है। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष चौहान से फोन पर बात कर इस सराहनीय पहल के लिए जिला प्रशासन व जनपदवासियों को बधाई दी है। जिला प्रशासन के सहयोग से पिथौरागढ़ में बीड़ू से जूस जैम चटनी आचार व अन्य सामग्री बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात में प्रधानमंत्री ने जल के संरक्षण एवं संवर्धन कुपोषण मुक्ति के प्रयासों व इसके लिए जागरूकता मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की बात कही है। इस दिशा में राज्य सरकार भी सुनियोजित तरीके से कार्य करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को उत्तराखंड में उत्साह के साथ सुना गया। बागेश्वर जिले में लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना और उसमें बीड़ू का जिक्र किए जाने पर खुशी जताई। दरअसल बीड़ू उत्तराखंड के लोक जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण फल है जो अनेक औषधीय गुणों से भरपूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मन की बात में अक्सर उत्तराखंड और यहां धरातल पर काम कर रहे लोगों का उल्लेख करते हैं। इससे यहां की चीजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। वहीं अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। मन की बात सुनकर सबसे पहले तो हमें बहुत खुशी होती है, बहुत धैर्य बना होता है जिसमें, और सबसे ज्यादा खुशी तो तब होती है जब हमारे उत्तराखंड के और हमारे बागेश्वर जिले या कुमाऊं क्षेत्र की जब बात आती है, चाहे मडुवे से लेके है, चाहे अभी बेड़ू के संबंध में है। और जो बेड़ू पाको एक गाना जो कुमाऊं में सबसे प्रसिद्ध है और उत्तराखंड में तो हर कोई जानता है, बेड़ू पाको बारो मासो, जब ऐसे हमारे छोटी छोटी चीज़ों की बातें जब राष्ट्रीय लेवल में जब इन चीज़ों को सुना जाता है तो मतलब एहसास होता है कि यार उत्तराखंड जो है ना बहुत मतलब विशेष है। और जब मन की बातों में अगर ये चीज़ें आती हैं तो यहाँ की चीज़ें और ज़्यादा निखरती हैं, तो हमें खुशी इसी चीज़ की है कि हमारी चीज़ों को जब राष्ट्रीय लेवल से हमारे प्रधानमंत्री जी जब ऐसे कहते हैं तो हम सब गौरवान्वित महसूस होते हैं। अगर कि आज की मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने जो पिथौरागढ़ में जो हमारा बेड़ू होता है उसकी चर्चा की है। इससे पूर्व में उन्होंने हमारे सामा क्षेत्र में कोई मडुवे के बिस्कुट बना रहे थे हमारे भाई, उनकी चर्चा करी है। अभी हमारे गरुड़ क्षेत्र बागेश्वर के गरुड़ में अभी वृक्ष प्रेमी हैं, उनकी चर्चा करी है। तो कई बार जब भी हम
मन की बात कार्यक्रम मोदी जी का सुनते हैं, उसमें निश्चित रूप से एक पहाड़ का दर्द उनके अंदर साफ रूप से झलकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में अब तक हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी की आ रही शिकायतों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष से इसकी जांच कराने को कहा है। आज देहरादून में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के स्तर पर भी गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है। विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वे चाहे किसी भी कालखंड की हो उनमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष जांच के विषय में राज्य सरकार से जो भी सहयोग मांगेगी वो दिया जाएगा। विधानसभा के स्तर पर भी जो है गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है कि लोगों ने कहा है कि गड़बड़ी हुई है तमाम तरह से। हमने कहा है कि जिस संस्था में भी गड़बड़ी हुई है, चूंकि विधानसभा एक हमारी संवैधानिक संस्था है, मैं माननीय अध्यक्षा जी से भी अनुरोध करूंगा कि वह भी जो है चाहे किसी की भी कालखंड में, चाहे इस कालखंड में हुई हो उस कालखंड में हुई, जो भी भर्तियों की गड़बड़ियां हुई है उसकी वो जांच बैठाएं और सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। चूंकि मैं इसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा है कि जिस कालखंड में भी, आपने देखा होगा हमने कभी ये नहीं कहा कि इसके कालखंड में 15-16 में दरोगा भर्ती हुई कि पटवारी घोटाला हुआ या कोई और घोटाला हुआ। हमने कहा है जो भी घोटाला हुआ है, जो भी भर्तियों में गड़बड़ियां आई है, किसी भी संस्था में गड़बड़ी आई है, उसकी जाँच होगी, जाँच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में जहां भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो रही है वहां हमने सख्त जांच के आदेश दे दिए हैं। कुछ मामले एसटीएफ को दिए गए हैं और कुछ पर विजिलेंस को नियुक्त किया गया है। सभी मामलों पर कार्रवाई चल रही है जिसका परिणाम सभी के सामने आ भी रहा है। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे हम आगे के लिए भी एक नजीर बनना चाहते हैं जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं का ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें भविष्य में कोई इस तरह का कृत्य करने की सोच भी न सके। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लगातार शिकायतें मिल रही थी, लगातार भर्तियों में गड़बड़ियों की बात आ रही थी, उन गड़बड़ियों को लेकर हमने एसटीएफ को इसकी जाँच सौंपी है और दरोगा भर्ती को लेकर, चूंकि पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हमने वो विजिलेंस को जांच दी है। जहां विजिलेंस ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है, एसटीएफ ने अभी तक 25 लोगों को सलाखों के अंदर कर दिया है, उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों न हो, कितनी ही पहुँच वाला क्यों न हो, जहाँ भी होगा उसको हमारी एसटीएफ, हमारी पुलिस उसको खोजेगी और जो अपराधी है अपराधी को उसका दंड मिलेगा। इसके साथ साथ यह भी है कि चूंकि ये हमारे बेटों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे नौनिहालों से जुड़ा हुआ विषय है, हम इसके लिए फुल प्रूफ योजना बना रहे हैं कि भविष्य में कभी भी कोई भी इस प्रकार की अपराधिक घटना की पुनरावृत्ति करने की न सोचे। इसके साथ साथ जो बच्चे अपनी मेहनत से पास हुए हैं उनको भी जो है हम लोग कहीं निराश नहीं होने देंगे। कोशिश करेंगे कि उन बच्चों का जिन्होंने अपनी ईमानदारी से, मेहनत से जिनका परिणाम आया है, वो बच्चे उसमें हों। भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों व जिला अध्यक्षों की आज देहरादून स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बैठक में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा नए प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल अब शुरू हुआ है और उनकी नई टीम का गठन हो गया है। आने वाले समय में हमारा क्या लक्ष्य है और किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, इन सब बातों को नई टीम को समझना होगा। पार्टी के पन्ना प्रमुखों, मोर्चा अध्यक्षों, प्रकोष्ठ प्रमुखों के लिए पार्टी की ओर से कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जिलों में भी लगातार कार्यक्रम होंगे जिससे कार्यकर्ता प्रशिक्षित होकर बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। महेंद्र भट्ट जी का कार्यकाल प्रारंभ हुआ है और उनकी पूरी टीम बन गई है, नई टीम है, नया जोश है और उस टीम के साथ आज हम लोगों का आगे के कार्यक्रमों को लेकर आज यहाँ पर संवाद और आज विस्तृत रूप से आपस में चर्चा इस प्रकार से यहाँ पर हुई है और आगे के लिए हम लोगों ने मंथन किया है कि आने वाले दिनों में हम भारतीय जनता पार्टी को निचले स्तर तक, जो हमारा पन्ना प्रमुख बूथ अध्यक्ष, वहाँ तक जो हमारी सक्रियता है उसको और बढ़ाएंगे। हमारे मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, जिलों में हम अन्य कार्यक्रम भी शुरू करेंगे। राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, प्रदेश केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, उन सभी को नीचे तक ले जाने का काम संगठन और सरकार दोनों मिलकर लगातार काम करेंगे।
वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी कि केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में पार्टी को 4 संगठनात्मक जिलों की स्थापना की मंजूरी दे दी है। संगठन के लिहाज से जो 4 जिले बनाए गए हैं उनमें ऋषिकेश, रुड़की, रानीखेत और एक जिला उधम सिंह नगर में शामिल है। पहली पदाधिकारी बैठक थी, हमने जैसे शुरू में कहा 15 सितंबर तक हम अपने प्रदेश की टीम और प्रदेश के मोर्चे प्रकोष्ठों का गठन करेंगे। उस दृष्टिकोण से हमने बैठक रखी। हमारा जो महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, उसका प्रवास हमने निश्चित कर दिया है। अल्पसंख्यक मोर्चे को हरिद्वार पंचायत चुनाव की दृष्टि हमने कहा कि वो उनका प्रवास वहाँ रहेगा। इसके साथ साथ हमारे जो किसान मोर्चा है, बाकी सबको हमने अलग अलग काम सबको दिए हैं, उनकी टीम का गठन भी 15 तक हो जाए इसकी रचना की है। इसके साथ साथ मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूँ कि हमको उत्तराखंड के अंदर 4 नए जिले की हमको अनुमति मिल गई है। उन जिलों में हमने प्रवासी कार्यकर्ता दे दिए हैं। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर सितारगंज क्षेत्र के पुलभट्टा थाना इलाके में सिरसा मोड़ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पर संगत में जा रहे 40 श्रद्धालुओं से 6 की मौत हो गई जबकि 34 अन्य घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत चिंताजनक बताई गई है। दुर्घटना आज पूर्वाहन करीब 11 बजे हुई। उधम सिंह नगर के डीएम युगल किशोर पंत ने बताया कि बसगर गांव के ये सभी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर संगत के लिए जा रहे थे। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल के अलावा हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज और बहेड़ी में भर्ती कराया गया है। इस बीच दुर्घटना की सूचना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर बाद हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और सामान्य घायलों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने सभी घायलों के निःशुल्क इलाज के निर्देश दिए हैं। सभी का यहाँ पर उपचार हो रहा है और पहले से स्थिति अभी उनकी बेहतर नहीं है, उसको डॉक्टरों ने ठीक से देख रेख में चल रहा है। सिटी स्कैन भी सर के लोगों के हुए हैं जी, लोगों का फ्रैक्चर है तो हुआ, लेकिन सभी अभी ज़्यादातर सामान्य स्थिति में, एक थोड़ा सा गंभीर है। अच्छा उपचार हो रहा है और हमारी पूरी सुविधा जो लोग बहुत दुर्घटना है, प्रार्थना करते हैं कि उनको सभी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों के ऊपर जो ये एक अचानक इतना बड़ा कष्ट आया है, दुख आया है, उनको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के भी हमने आदेश कर दिए हैं, साथ ही जो लोग मृतक हुए हैं उनके परिजनों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि देने के निर्णय किया है और साथ में जो घायल हैं उनको 50,000 और आंशिक रूप से जो घायल हैं उनको 25,000। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही, नमस्कार। प्रस्तुत है गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना। ये तस्वीर है कुमारी पायल की।